एवरीवन, तो इस वक्त मैं हूँ निको पार्क के वेटो वाइल्ड वाटर पार्क के पास और अभी पीछे से अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ का एंट्री का आपको बता दूं कि निको पार्क का 1000 रुपये आपको मेन गेट से लगता है, अगर आप पास के थ्रू आते हैं तो पास में आपको 600 रुपये मिल जाता है। मैं पास के थ्रू आया हूँ, पास लेके जो हमको 600 रुपये में मिल गया। जैसा कि देख रहे हैं ये रहा मेन निको पार्क का गेट और यहाँ सामने में जो है ये ऑनलाइन के लिए, मतलब आपका गेट से राइट साइड में ऑनलाइन अगर आपका टिकट है तो यहाँ से एंट्री होगा, बाकी टिकट काउंटर उधर उस साइड में टिकट लेके और यहाँ से टिकट चेक करा के एंट्री हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं लाइन लगा हुआ, आज है वीक डेज यहाँ पे, और चलते हैं टिकट काउंटर पे देखते हैं कितना चार्ज है यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं टिकट काउंटर, निको पार्क का एंट्री चार्ज है सिर्फ 300 रुपये और ऑल राइड वाटर पार्क और ड्राइव पार्क का 700 रुपये, एंट्री लेके 300, मतलब टोटल 1000 रुपये यहाँ पे चार्ज लग रहा है। और टाइमिंग जैसा कि देख रहे हैं पार्क का टाइमिंग, मेन टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 8 बजे तक है मेन पार्क का, और वाटर पार्क का 10:30 से शाम 6 बजे तक है। तो इस तरह का यहाँ पे काउंटर टिकट कुछ 1000 रुपये का अभी टिकट लग रहा है। तो पास को चेक करा के अभी हम इंटर कर चुके हैं यहाँ निको पार्क के अंदर। तो आपको बता दूं कि निको पार्क के जो मेन गेट पे टिकट कट रहा है वो है 1000 का, जिसमें आपका ड्राइव पार्क और वाटर पार्क दोनों रहता है। और आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं, ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था तो 700-750 का ऐसे टिकट आ रहा था जिसमें आपका ड्राई और वेट दोनों रहता है। और मैंने जो आपको बता दूं कि मैंने जो ये पास लिया है वो लिया है सिर्फ 600 में, जो कि आपको बता दूं कहाँ मिलेगा तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जकरिया स्ट्रीट के पास, चीतपुर के पास ये आपको पास मैंने लिया था, तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ का लिंक डाल दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इजिली 600 रुपये में ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है और अभी यहाँ पे टिकट का ज़्यादा रहता है। वैसे आपको 500 रुपये में भी मिलता है विंटर के टाइम में, लेकिन अभी गर्मी है तो रेट थोड़ा ज़्यादा है। वैसे इस पास में आपको बता दूं कि सब कुछ इंक्लूड रहता है, आपका ड्राइव पार्क और वेट पार्क दोनों का टोटल राइड है इसमें अवेलेबल और सब कुछ अवेलेबल है। तो चलते हैं एंजॉय करते हैं निको पार्क में और आपको भी कराते हैं। तो एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट काउंटर है यहाँ से आपको रिस्ट बैंड मिलेगा और सामने में है लॉकर और कॉस्ट्यूम का काउंटर। तो पहले लेते हैं बैंड फिर चलेंगे आगे। फर्स्ट रिस्ट बैंड लगा लिया हूँ यहाँ पे निको पार्क का और चलते हैं लॉकर और कॉस्ट्यूम काउंटर की तरफ और चल के देखते हैं। कॉस्ट्यूम और लॉकर का चार्ज यहाँ पे जैसा का 80 रुपीज़ है, स्विमिंग सूट का बच्चे के लिए 80 है और ट्रंक का 70 है, टॉवल का 80 है, लॉकर का 150 है, लॉकर बैग का 150 है और लाइफ जैकेट का 0 है। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं डिपॉजिट आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, बाद में आपको रिफंड हो जाता है। तो डिपॉजिट जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकर का 500 है और बाद में आपको 350 रिटर्न हो जाए, जो कि लॉकर का चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं 150 रुपये, पहले बताया जा रहा है 100 था लेकिन अभी बढ़ा के 150 रुपये कर दिया गया। और कॉस्ट्यूम का कुछ इस तरह का यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट आपको बता दूं कि पहला काउंटर से आपको कैश कर कटा के बिल कटाना पड़ेगा और सेकंड काउंटर से आपको लॉकर और कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो यहाँ से लेते हैं और फिर चलेंगे अंदर। ले लिया अभी लॉकर के लिए की यहाँ काउंटर से। और इस साइड में बता दूं कि आपको वेटो वाइड है जिसका टाइमिंग आपको बता दूं लिखा हुआ है सामने 10:30 से सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक का टाइमिंग है। सो आप वेटो वाइल्ड में डायरेक्ट अगर एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री करें और एंट्री के बाद बैंड काउंटर से बैंड लगवाएं और उसके बाद कॉस्ट्यूम लॉकर काउंटर से कॉस्ट्यूम लॉकर ले और डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। वैसे अगर आप पहले ड्राइव पार्क एंजॉय करना चाहते हैं तो ड्राइव पार्क एंजॉय करें और अंदर के रास्ते से आप वाटर पार्क अंदर जा सकते हैं। यहाँ से एंट्री करते हुए वेटो वाइल्ड वाटर पार्क में एंट्री करते के साथ आपको टॉयलेट, चेंजिंग रूम और लॉकर मिल जा रहा है राइट साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लॉकर का बता दूं तो यहाँ पे 500 डिपॉजिट करना पड़ता है जिसमें से आपको 150 रुपये काट के 350 रुपये बाद में आपका रिफंड हो जाएगा। तो मैंने लॉकर ले लिया है और यहाँ पे चेंजिंग रूम में चलेंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद उतरेंगे वाटर पार्क में। 268 लॉकर यहाँ पे और लॉकर का देख रहे हैं कुछ इतना बड़ा सा लॉकर है, तो लॉकर में अभी जमा करते हैं सामान। चेंजिंग रूम से चेंज करके निकल चुके। आपको बता दूं कि कॉस्ट्यूम अगर आप अपना लेके आते हैं तो वो कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे पहन सकते हैं, तो घर से लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। और उतरते भी पूल में मज़ा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो पहले आ गए पूल में क्योंकि बदन पूरा गर्म बना हुआ है तो थोड़ा ठंडाया जाए और फिर चलेंगे राइड सब में। तो पहले बदन को टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं फिर चलते हैं धीरे धीरे।
पूल में थोड़ा बॉडी को ठंडा कर लिया और अभी आगे इधर में जैसा कि देख रहे हैं बेबी पार्क है, बेबी स्लाइड सब है यहाँ पे और चलेंगे धीरे धीरे उन सब का एंजॉय करेंगे, राइड सब का मजा करेंगे, इसको दिखाते हैं अभी आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बेबी पार्क, बेबी स्लाइड्स वगैरह। तो अभी बेबी पार्क है ये वाला जो टनल स्लाइड है, ये थोड़ा सा भरा है तो अभी इसको करेंगे पहले। बोल देने का अच्छा स्लाइड है ये बेबी पार्क का, अच्छा स्लाइड। तो ये जो आप देख रहे हैं दो स्लाइड है यहाँ पे, जो कि आपको बता दूँ टोर्नेडो फनल और थर्डर बॉल। तो ये दो स्लाइड ये 2023 में नया है तो इसके लिए लंबा लाइन भी लगा हुआ है, चलते हैं अभी और इसको करेंगे। लाइन आपको बता दूं तो यहाँ पे एयर बैलून जो आ रहा है उसके लिए लग रहा है, जो आगे में एयर बैलून ले रहा है सीरियल वाइज से और लेके फिर पीछे से ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लाइन लगता हुआ। तो फर्स्ट अभी हम करेंगे ये वाला स्लाइड है, उसके बाद फिर चलेंगे वो रेड वाले में, बड़े वाले में। फर्स्ट इसको करते हैं, लाइन कंप्लीट होता है इसमें लाइन में लगे हुए हैं, इसको करेंगे फिर उसमें चलेंगे आगे। तो 15 मिनट लाइन लगने के बाद फाइनली मिल गया, लग रहा है जैसे कोई युद्ध जीत लिए। और चलते हैं ये येलो वाले टनल पे और चल के स्लाइड करते हैं। करेंगे ये वाला स्लाइड और नीचे चलेंगे वहाँ पे, तो करते हैं अभी। मजा आया। हाँ नहीं लाइन बहुत लगना पड़ता है, चलेंगे अभी हम लोग अंदर, हम लोग उल्टा जाएंगे। मजा आ गया वो वाला स्लाइड करके। और वेदर देख रहे हैं यहाँ का भी, बारिश होने वाला है बहुत ही तेज, मजा आएगा। चलते हैं अभी आगे का स्लाइड सब करते हैं, फिर चलेंगे लास्ट में वो रेड वाले टनल पे। ये राइट पे अब चलते और ये राइट करते, यहाँ पे कस के पकड़ लो। चलते हैं ये स्लाइड में, अंदर घुस गया ना। चलते अब करेंगे यहाँ ये मैच स्लाइड ऊपर चल के, ये वाला स्लाइड। चलते
रहे अभी ये स्लाइड पे। स्लाइड तो वैसे कर लिया, पीछे में जो आपको देख रहे हो रेड और ग्रीन वाला नया वाला है वो अभी बंद हो चुका है। बता दूं कि 5:30 तक का ही टाइमिंग रहता है यहाँ पे स्लाइड सब, 5:30 के बाद बंद हो जाता है और 6 बजे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो स्लाइड सब अभी सब बंद हो चुका है, बाकी सब कर लिया, वो रेड ग्रीन वाला छूट गया और फैमिली स्लाइड जो होता है 4 लोग वाला वो छूट गया, बाकी सब कर लिए। और अभी थोड़ा उतरते हैं पूल में और पूल में थोड़ा चल के मजा करते हैं। की बात किया जाए अगर आपका वेटो वाइल्ड में, तो आपको बता दूं एक ये स्लाइड है, सेकेंड आपका वाइट वाला फैमिली स्लाइड है, थर्ड आपका ये ग्रीन वाला है जो कि आपका ट्यूब में आने का रहता है, रेड वाला है चौथा जिसमें आपको कपड़ा उतार के आना पड़ेगा या फिर आपका कॉस्ट्यूम है तो उसमें डायरेक्ट आने का है, 5वां है आपका मैट स्लाइड और 6ठा और 7वां दो वहाँ पे जो नया वाला स्लाइड खुला है वो, मतलब टोटल यहाँ पे 7 स्लाइड है बड़ों के लिए। और ये देख रहे हैं कुछ इस तरह का वाटरफॉल टाइप का, बिहार का भी आपको बता दूँ कि बेलमोंट वाटरफॉल में भी इसी तरह का कुछ बनाया गया है, सेम का सेम, सिर्फ ऊपर में बेलमोंट लिखा हुआ है और इसी तरह का। और यहाँ पे वाटरफॉल डांसिंग और कुछ इस तरह का। चुके हैं ये वाटरफॉल पे और यहाँ की पानी की ताजगी अलग मजा। मजा आ गया यहाँ के वाटर पार्क में और बज चुके हैं 6:00, देख रहे हैं पीछे में लाइट वाइट भी जल चुका है, अंधेरा हो चुका है और पुल बंद हो चुका है यहाँ पे, तो निकलते हैं यहाँ से बाहर अभी। तो निकल चुके हैं वेटो वाइल्ड वाटर पार्क से बाहर, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।